हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज तवर, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 में जो मीटिंग होने वाली है, यानी कि सोमवार और मंगलवार, यानी कि आज और कल जो मीटिंग होने वाली है, तो क्या चर्चा होगी और क्या देश क्या सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, जो कि 20 जो जितने भी सारे 20 कंट्रीज हैं, उस बारे में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। लेकिन उन सबसे पहले आप सबको याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा इन चीज़ों का एडवांटेज उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि G20 के जो भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी 20 कंट्रीज़ हैं, उनके जो बड़े जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, वो 19 और 20 मार्च 2018 को मिलने वाले हैं अर्जेंटीना के अंदर। और हम उस बारे में जो भी उनकी क्या अप्रोच रहेगी, कंट्रीज़ क्या सोचती हैं, इस बारे में आज आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से ये हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है और क्रिप्टो मार्केट जो है डिपेंड करेगी कैसी न्यूज़ निकल के आती है। जैसे कि जापान ने अभी बताया है कि वो कोशिश करेगा कंबाइंड एफर्ट्स लगाने के लिए कि जो है रेगुलेशंस बन सकें, और कोरिया जो है प्लान कर रहा है कि प्रिपेयर कैसे करें ICO जो है अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो अपनी बात इस हिसाब से रखेगा। दोस्तों, एक अच्छी खबर आपको बता दें कि जो G20 के फाइनेंशियल रेगुलेटर है मार्क, उनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी कोई रिस्क नहीं है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा साइन है, और जो ये मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाला है आज और कल, तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी क्रिप्टो करेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको जो G20 के जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या सोचती है और वहाँ पर क्या रेगुलेशंस हैं, उस बारे में भी बताएंगे, जानकारी देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, वो जो मीटिंग होने वाली है उसका जो मेन अट्रैक्शन या मेन सेंटर रहने वाला है, वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस ही रहने वाले हैं। और जो आउटकम है, लेट्स सी, जैसा लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन जैसा जानकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही न्यूज निकल के आएगी वहां से। और दोस्तों, हम भी यही उम्मीद करते हैं। अब देख लेते हैं कि कंट्री वाइज क्या उसके अंदर वो क्या सोचती हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, और वहां पे क्या रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो है होस्ट कर रहा है G20 की मीटिंग, और सबसे जो पहला कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है जिसने जो है बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है। अभी तक जो है गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस वहां पर नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे बड़े नेशन की, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, बट वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या सूटेबल अप्रोच हो सकती है बिटकॉइन को लेके या बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को लेकर। लेकिन वहाँ पर जो भी एक्सचेंजेस हैं या जो भी रजिस्ट्री होती हैं, एक्सचेंज में डील करते हैं, डिजिटल करेंसी में डील करते हैं, उनको जो है ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना पड़ता है। दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं है, बट वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है रेगुलेट किया जाए और डिजिटल करेंसी एक्सचेंजेस को। दोस्तों, बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील ने जो है इस पे हार्ड एक्शन लिया है, वहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बैन है और उसको वहाँ पे एज अ फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और डायरेक्ट इन्वेस्ट करना क्रिप्टो करेंसी के अंदर पूरा ही मना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है ब्लॉकचेन की इनोवेशन को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, और जो माइनर्स हैं जितने भी हैं, क्योंकि जो कनाडा है ज़्यादातर उसका एरिया ठंडा है, तो माइनर्स के लिए बहुत सूटेबल है। और वहाँ की जो कंट्री है वो भी जो है एक क्रिप्टो करेंसी लाने का प्लान कर रही है। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी पे अर्निंग करना वहाँ टैक्सेबल है, यानी कि लीगल है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की। और चाइना, आप बता दें, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डाला है पिछले एक साल के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को लेके जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप रहा है चाइना का। एक तरफ तो जो चाइना है वो इनोवेशन हब बनना चाहता है ब्लॉकचेन का, और दूसरी तरफ जो है वो अपने हाथ में रखना चाहता है, जैसा कि हर चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहता है, तो क्रिप्टो करेंसी को भी जो है रेगुलेट करके अपने कंट्रोल में मार्केट को रखना चाहता है। तो इसी में आप देख सकते हैं जो है जितने भी ट्रेडिंग है वहाँ पर बैन कर दी गई है और ICO भी बैन कर दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की अगर बात करें तो जर्मनी को उन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के अंदर, और उन्होंने एक टीम भी बनाई है जो कि मेन फोकस जिसका रहेगा कि कैसे जो भी लोग टैक्स को चुराते हैं उनसे कैसे टैक्स वसूला जाए और उनको कैसे पकड़ा जाए। आपको बता दें, फ्रांस में भी अभी कोई रेगुलेशंस नहीं है इसको लेकर।
अब बात करते हैं दोस्तों जर्मनी की। जर्मनी जैसे कि फ्रांस का आपको बताया था कि मेंबर्स हैं क्रिप्टो रेगुलेटरी डिस्कशन के अंदर, जो कि बात करने वाले हैं G20 के अंदर, जो अपनी बात रखने वाले हैं। और जैसा सुनने में आता और लगता है, जर्मनी जो है चाहता है कि यूरोप जो है एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट का हब बने। अभी जो है जर्मनी के अंदर लीगल है और टैक्स भी उस पर लगाया जाता है, और कुछ एडिशनल जो लाइसेंस और परमिट आप सबको लेने पड़ते हैं उसके लिए। दोस्तों बात करते हैं हमारी कंट्री की, इंडिया की। अगर इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो है डिस्करेज कर रही है क्रिप्टो करेंसी के यूज को, जैसा कि आपको पता है आरबीआई की स्टेटमेंट से, या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली जी उनकी स्टेटमेंट से कि डिस्करेज कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट लीगल नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कर सकते हैं, उस पे आपको प्रॉपर बकायदा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि जो बिटकॉइन से रिलेटेड मार्केट बहुत बड़ी हो सकती है इंडिया के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, और इंडिया की तरह ही वहाँ पर इंडोनेशिया में भी जो है गवर्नमेंट ने जो है वार्निंग जारी करी है कि बहुत रिस्क हो सकता है और लोगों का पैसा मर सकता है, पोटेंशियल थ्रेट, और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी जो है फिलहाल कोई खास रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल वहाँ पर भी बैन है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और यूरोपियन कंट्री की, जिसका नाम है इटली। दोस्तों वहाँ की सरकार जो है इस पर वर्किंग कर रही है कि कैसे उसको क्लासीफाई किया जाए, ये क्रिप्टो करेंसी का यूज़ उनकी कंट्री के अंदर कैसे, उस पे सर्विस प्रोवाइड होती है, और कैसे रिलेटेड टू डिजिटल करेंसीज वो यूज हो सकता है। अभी जो है कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशंस नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जापान की। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि जापान जो है इनोवेशन के लिए जाना जाता है, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो वो पहली कंट्रीज में से एक है जिसने 2017 में बिटकॉइन को रेकग्नाइज और लीगल टेंडर माना है, और वहां पे बिटकॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों वहाँ पे बिटकॉइन जो है प्रॉपर बकायदा लीगल है। अब हम बात करते हैं मेक्सिको की। मेक्सिको के जो लॉ मेकर है उन्होंने भी जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बिल पास किया है, और मेक्सिको में जो है बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन उनको एज अ कमोडिटी कंसिडर किया जाता है। और जो बिल पास किया है उसके हिसाब से जितने भी एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के मेक्सिको के अंदर, उनको जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। और दोस्तों करंट स्टेटस की बात करें तो बिल पास किया गया है, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन एज अ कमोडिटी वो है, और उस पर बाकायदा टैक्स लिया जाएगा एज अ कमोडिटी। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़ी कंट्री की, जिसका नाम है रशिया। रशिया के अंदर जो है फेडरल लॉ के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी और आईसीओ पे जो है रेगुलेशन फाइनलाइज हो गए हैं, और जो लॉ है वहाँ का पूरे वर्टिकल्स कवर करेगा, जैसे क्रिएशन हो गया, इश्यूएंस हो गया, स्टोरेज कहां पे हो रही है, और सर्कुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अभी जो है क्रिप्टो करेंसी और आईसीओ रेगुलेशन वहां पे लीगल है, और रिस्ट्रिक्शन है आईसीओ इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजिंग के अंदर। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को रिलेटेड अगर बात करें सऊदी अरेबिया की या दुबई की, तो दोनों जो है बड़ा रिलैक्स हैं और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस पे वर्किंग कर रहे हैं। दोस्तों जैसी न्यूज़ निकल के आ रही है तो बैन के चांसेस ना के बराबर ही है वहाँ पे। और आपको बता दें सऊदी अरेबिया और दुबई जो है कुछ पायलट प्रोग्राम्स पे वर्किंग कर रहे हैं कि जो डिजिटल करेंसी है उसको फैसिलिटेट कैसे किया जाए, यूज़ कैसे किया जाए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। और आपको बता दें कि जो दुबई की रॉयल फैमिली है उसने पार्टनर किया है जिब्राल नेटवर्क के साथ में, जैसा कि आप सबको पता है। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया फ्यूचर के अंदर जो है बिटकॉइन को लीगल ही करेगा। और अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका। दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है वो भी रेगुलेट करने का प्लान कर रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बकायदा एक जो वाइट पेपर पब्लिश किया है। दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर अभी कोई रेगुलेशंस नहीं है, बट प्लान कर रहे हैं वो रेगुलेट करने की जल्दी ही। दोस्तों अब बात करते हैं साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया आपको बता दें पिछले 4-6 महीने में बहुत बड़ी मार्केट रही है क्रिप्टो करेंसी के और बिटकॉइन की ट्रेडिंग को लेकर। आप देख सकते हैं 15 से 20% तक की जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वहाँ पे होती थी अगर जनवरी की बात करें, तो वहाँ की गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि प्रॉपर उस पर कुछ वर्किंग की जाए। और आपको बता दें अगर वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको बकायदा KYC दे के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और जो भी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से, जो भी आपका रियल नाम है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जैसा सुनने में आ रहा है। और G20 में भी जो है आईसीओ से रिलेटेड रेगुलेशंस पे जो है ये मुद्दा उठा सकते हैं कोरियन। दोस्तों अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन जैसा न्यूज़ आ रही है वहाँ पे खुद की जो है गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी, नेशनल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकती है जल्दी ही।
दोस्तों बात करते हैं यूके की। अगर यूके की बात करें यानी कि इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ पे जो है वेट एंड वॉच की, और जैसे इंडिया में हो रहा है कि वेट एंड वॉच करें, ऑब्जर्व करें चीज़ों की, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कैसे किया जाए। लेकिन जैसी जो गवर्नर हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के मार्क, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी ऐसा कोई ख़तरा नहीं है किसी करंट फाइनेंशियल सिस्टम को लेके, लेकिन हमें ज़रूरत है जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड है उनका पैसा बचा रहे, इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, और जो भी इलीगल काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अभी कोई रेगुलेशंस यूके में भी नहीं है। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी कंट्री की जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है क्रिप्टो करेंसी में, उसका नाम है यूएसए यानी कि अमेरिका। दोस्तों यूएसए के जो सीएफटीसी है और एससी जो सेनिटेट है, उनकी जो हियरिंग हुई थी 7 फरवरी 2018 को, वहाँ पे जो है पॉजिटिवली जो है बातें रखी गई, और वहाँ के जो चेयरमैन है सीएफटीसी के जो चेयरमैन है क्रिस्टोफर, ही इज़ पॉजिटिव अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। दोस्तों जहाँ तक लीगल स्टेटस की बात है तो यूएसए में बिटकॉइन लीगल है, लेकिन जो आईसीओ वहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं यानी कि वहाँ पे रोक है इन्वेस्टमेंट करने की, और मनी लॉन्ड्रिंग और सारी चीज़ों के लिए जो है वो बहुत सख्त है, और उस पर जो है प्रॉपर बकायदा वॉच रखते हैं। दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो अगर गिनी चुनी एक दो ही कंट्रीज हैं जहाँ पे नेगेटिव व्यू है या वहाँ पे जो है उसके बारे में या तो बैन है या वहाँ नेगेटिव सोचते हैं, अदरवाइज जितनी भी सारी कंट्रीज देखोगे वो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे उसको जो है रेगुलेट किया जाए या पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे उसको बेटर किया जाए। दोस्तों अगर सारी कंट्रीज का रिव्यू करेंगे और क्या कंट्री सोचती हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मोस्ट प्रोबली जो है पॉजिटिव ही निकल के आना चाहिए जो G20 के अंदर जो मीटिंग होने वाली है आज और कल। दोस्तों बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर रेगुलेशंस और जितनी भी सारी कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर इस पर बाकायदा प्रॉपर एक गाइडलाइंस जारी करे, रेगुलेट करे और प्रॉपर रेगुलेशंस लाए इसके ऊपर। दोस्तों हमें लगता है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं मिलके अच्छा ही करेंगी और डिसाइड करेंगी, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए सब कुछ पॉजिटिव ही निकल के आएगा फ्यूचर के अंदर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी बातें आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहें। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।